तो दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस गेट यहाँ का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों मैं हूँ शेखर और आप देख रहे हैं सैलोथ व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक माँ भगवती के जागरण में। तो दोस्तों मेरे गाँव के पास एक गाँव है बदनोली, तो वहाँ मैंने सुना है कि बहुत ही बड़ा जागरण हो रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर बता रहे हैं लोग जो देख के आ रहे हैं। तो मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ देखने के लिए, तो मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या मतलब कितना बड़ा है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, देख के आओ देख के आओ, तो मैं जा रहा हूँ। बाकी मेरे दो तीन दोस्त और जा रहे हैं मेरे साथ, तो वो घर के बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं उनसे। बाकी भाई जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कमेंट शेयर सब करें। जैसे मैंने बताया था हम जा रहे हैं जागरण में, तो अपने साथ जा रहे हैं भाई गोलू भाई, पीछे बाइक पर आ गए हैं। तो भाई गोलू भाई के साथ जा रहे हैं और बाकी भाई शिवम भी आ सकता है या आगम भी। बाकी दोस्तों चलते हैं बदनोली और आपको वहीं जाके मिलते हैं। दोस्तों अभी जो है बदनोली 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर करीब रह गया है, लेकिन ये देखो भाई जागरण की लाइट यहीं से चमक रही है। इसका मतलब भाई लाइटिंग वाइटिंग का सिस्टम बहुत तगड़ा कर रखा है इन्होंने। ये देखो आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, ये सामने से गाड़ी आ रही है, इसके बाद दिखेगा। ये देखो ऊपर लाइट चमक रही है, बाकी जाके पता चलेगा कि क्या सिस्टम है वहाँ पे, तो वहीं जाकर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख लो हम बदनोली के करीबन 500 मीटर दूर रह गए हैं। ये देखो सामने ये देखो बदनोली का बोर्ड। तो भाई लाइटिंग देख लो, ये सड़क पे यहीं से चालू हो गई है, अभी काफी दूर है जो स्थल है। बोलो इधर से तो ना एंट्री ना, आगे से चलो, आगे से गेट बन रहा हूँ। चल तो देख लो भाई रोड पे यहीं से सजाना चालू कर दिया। देख लो भाई द्वितीय विशाल माँ भगवती जागरण। जागरण स्थल पे पहुंचने वाले हैं हम। पब्लिक बहुत है भाई, पब्लिक बहुत है। काफी अच्छा प्रोग्राम करवा रखा है इन्होंने। तो दोस्तों मेन गेट दिखाता हूँ आपको मैं, ये देख लो भाई क्या ही सुंदर गेट है। दोस्तों एंट्री होगी अपने अंदर। ये देख लो भाई गोल्फ कार्ट भी चल रहे हैं यहाँ पे, जो आपने मॉल्स में देखे होंगे वही हैं। बाकी काफी सुंदर लग रहा भाई एंट्रेंस तो, जबरदस्त लिए गोल्फ कार्ट लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। तो इसका मतलब भाई देख लो, देखते रहो बस, देख के एंजॉय करो। माता रानी का भव्य जागरण यहाँ पे हो रहा है बदनोली गांव में। देख लो गाइस ये मतलब यहाँ पे रास्ते में चलाए हुए हैं आने जाने के लिए लोगों के लिए, सबके लिए है ये। बैठ के इसमें पहली बार बैठ के देखिए, बहुत ही मस्त चीज है वैसे ये वाला एंट्रेंस। तो भाई बहुत ही सुंदर बन रहा है एंट्रेंस, ये देखो भाई स्वागत में लगे हुए हैं, बिल्कुल मराठी ड्रेस में है ये। भाई मराठी ड्रेस में तैयार होके आए हैं ये, एंट्रेंस गेट पे ढोल बजा रहे हैं, काफी सुंदर दृश्य है यहाँ पे। ये देखो भाई दरबान खड़े हैं यहाँ पे। भैया आप कहाँ से आए हो भैया? दिल्ली से भैया। कौन से मॉल वॉल में भैया? कहीं से नहीं भाई, क्लब से। क्लब से कौन से भैया? एम्बियंस। एम्बियंस मॉल।
एम्बियंस क्लब से, ठीक है भैया ऐसा है भाई। कौन आ गया? तो ये देख लो गाइस, ये वाला दूसरा एंट्रेंस है, यहाँ पे काफी सारे एंट्रेंस है ऐसे, थर्ड एंट्रेंस है। बाकी सामने जो मेन एंट्रेंस है वो तो भाई दूर से ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, आकर्षक है एकदम, ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं। बाकी दोस्तों कुछ देखने लायक चीज ही है, इतना सुंदर जागरण मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस गेट यहाँ का, देख लो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये ऊपर माता रानी की वो लगा रखी है, बाकी बहुत ही अच्छा खूबसूरत सजाया हुआ है। पहली बार जिंदगी में ऐसा जागरण देखा है मैंने। ये देख लो गाइस, ये हमारा वेलकम करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। दो रास्ते बन गए हैं इधर तो भैया का घर, बाकी इधर जो है जागरण के लिए रास्ता जा रहा है। तो पहले आपको जागरण दिखाते हैं फिर भैया का घर दिखाते हैं। ये देखो भाई फूलों का हाथी है यहाँ पे, और है भाई क्या ही सुंदर चीज है भाई। भाई स्वागत करने के लिए छठा गेट है ये जिंदगी में, भाई मैंने तो आज तक यही चीज देखी नहीं है। बाकी दो दोस्त और मिल गए मेरे यहाँ पे, ये देख लो भाई आकाश चौधरी। तो स्वागत है गौरव भाई का और आकाश भाई का अपने ब्लॉग में। गाइस अपना भाई है शेखर, सब्सक्राइब मार दियो अन्यथा चैनल बंद हो जाएगा अपना ब्रो, पेट जा रखा है इसके लिए। तो दोस्तों अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको जागरण। भैया गलती कर दी थी मैं, एंट्रेंस अंदर चला गया था जूते पैर गई, तो अंदर भाई जूते चप्पल अलाउड नहीं है, इन्होंने यहाँ सुविधा की हुई है, यहाँ पे सभी के जूते चप्पल के लिए रैक बनाया हुआ है। जूते चप्पल अंदर जमा करवा के अब हम चल दिए अंदर जागरण में। तो भाई तो आपको अंदर लेकर चलते हैं, अब देख लो भाई दिल्ली के छोटे पंडित। तो भाई कि मैं जिस भी गली से जाऊं मेरी पहचान मेरे अपने भाई सावन से होता है, शेखर भाई सावन मेरी पहचान से है। लोग मुझे देखकर कहे देखो बिहारी जी का प्रेम में जा रहे हैं, बस इतनी सी पहचान ही चाहता हूं। मिलकर गाइएगा गली से होती साथ, वो जो भी देखे मुझे दीवाना करे।
दोस्तों उधर मैंने आपको पंडाल दिखाया था, यहाँ पे जो है खाने पीने का भोजन का व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत जागरण देखे हैं लेकिन ऐसा जागरण जिंदगी में नहीं देखा। जागरण में हमने देख लिया है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बाकी भाई बहुत तगड़ा जागरण था, आज तक ऐसा जागरण मैंने कभी नहीं देखा। बाकी ये भाई का घर है जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है, ये बहुत ही तगड़ा घर बना रखा है। भाई जागरण से हम आ गए हैं भाई, बहुत बाइक बंद कर लेते हैं तो भाई बहुत बढ़िया भाई जागरण रहा, बहुत ही अमेजिंग था, मतलब आज तक ऐसा जागरण हमने देखा। बाकी अगर हम भाई जो है वहाँ से चप्पल मार लाए हैं, देखो आराम किए भाई तो भाई चार गया था। मतलब वहाँ पे मतलब चप्पल अलाउड नहीं थी ना अंदर, तो अगर हम अपनी बदल के ले आया, कोई अगर हम पहन रहा था पुरानी रिलैक्सो की, नई वाली है मिल गई है ये मतलब आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है वो वाली चप्पल ले आया। बाकी जागरण भाई बहुत अच्छा रहा, आप कमेंट करके बताओ, जूते भी दिखा दे भाई। बाकी आप कमेंट कौन से मार के लाया तू, अपनी राजनीति कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर भाई, जय माता दी, जय माता दी।